सबको यस क्लियर मैम, है? यस मैम। देखो मैं एक एग्जांपल से इरिगेशन सिस्टम समझाती हूँ। ओके ठीक है, हमारा जो पॉपुलर क्रॉप है दैट इज राइस एंड व्हीट, राइस व्हीट। टाइम क्या होता है राइस का और व्हीट का? राइस और व्हीट का टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन? कौन से मंथ में राइस होता है और क्रॉप पीरियड मतलब जो ग्रोथ पीरियड है? तो राइस के लिए क्या है, मानसून है ना? राइस के लिए मतलब जून टू सितंबर, जून टू सितंबर का जो टाइमिंग है दैट इज फॉर राइस, है ना? समझ में आ रहा है? जून टू सितंबर में हमारे खेतों में राइस लगाया जाता है ना। वैसे ही व्हीट, व्हीट का टाइमिंग क्या है, नवंबर टू मार्च। क्लियर है? मतलब जो विंटर टाइम आता है उसमें हमारे खेतों में क्या होता है, वीट होता है, नवंबर टू हाँ मार्च। जून टू सितंबर राइस और नवंबर टू मार्च, ठीक है? ये जनरली ये टाइम होता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट ये हमारा क्या था, ये जून में हमने क्या किया, जून में हमने क्रॉप लगाया राइस का, मतलब क्या किया, क्रॉप शोइंग, हमने क्या किया, शोइंग किया, ठीक है? ये सितंबर आ गया, सितंबर में हमने क्या किया, कल्टीवेशन, मतलब हमारा कल्टीवेट हो गया, ठीक है? उसी तरह से वीट के लिए ये क्या है, राइस। ये हमारा राइस है, ये हमारा पीट है, ओके? राइस का जो टाइमिंग है दैट इज जून टू सितंबर, मतलब मानसून टाइम। मानसून टाइम में क्या होता है हमारा, राइस। उसी तरह से वीट, वीट का टाइमिंग क्या है, वीट का टाइमिंग है जनरली अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में हमारा सोइंग स्टार्ट हो जाता है दशहरे के बाद, तो हम लोग नवंबर लेते हैं, नवंबर टू मार्च मतलब होली के टाइम तक हमारे खेतों से क्या होता है, वीट का हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, विंटर, ठीक है? क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट किस तरह से रहा होगा, हमने क्या किया अपने लैंड पे राइस जून में स्टार्ट किया, जून सितंबर, जून में हमने क्या किया, शोइंग, शोइंग हमने किया। वाटर का रिक्वायरमेंट, वाटर का रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में क्या होगा, चलो सोइंग के टाइम थोड़ा कम होगा, सोइंग के टाइम में थोड़ा कम हुआ, ओके? उसके बाद जब सम सेंटीमीटर हाइट पे रहता है राइस का प्लांट, उस समय क्या होता है, रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद फिर स्लोली 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 क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट हमारा सितंबर तक लेस हो जाता है, ठीक है? ये किसके लिए, राइस के लिए, ठीक है? लेकिन वीट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये राइस का समझ में आ गया। वीट के लिए देखते हैं वीट का रिक्वायरमेंट कैसे होता है। तो वीट का कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह से होता है, ये नवंबर था, ये मार्च था। नवंबर में हमने क्या किया, सोइंग किया, मार्च में हमारा कल्टीवेट हो गया, ठीक है?
इसका जनरली जो वीट का वाटर रिक्वायरमेंट होता है थ्रू आउट सेम रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि डिफरेंट क्रॉप का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। हर एक क्रॉप के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट है। जैसे हमारा जो राइस, राइस एंड वीट, जनरली राइस किस किस तरह के क्रॉप में आता है, दैट इज खरीफ। खरीफ एंड रवि का नाम तुमने सुना होगा, व्हाट इज खरीफ व्हाट इज रवि क्रॉप। राइस हमारा क्या है, राइस हमारा खरीफ क्रॉप है। वीट क्या है, वीट रबी क्रॉप है, ठीक है। तो वीट का टाइम क्या होता है, नवंबर टू मार्च, मतलब दशहरे दिवाली से लेके होली तक का जो टाइमिंग है उसमें हमारा वीट होता है। जो लोग जनरली विलेज से होंगे उन्हें ये चीज ऑलरेडी पता होगा। कितने लोगों को ये सब चीजें पता है, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप। जी मैम, पता है बाकी लोगों को भी ये चीज पता है, खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप होता है, रबी क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप होता है। बेसिक डिफरेंस के लिए याद रखना, टाइम से जो हमारा खरीफ होता है वो जून टू सितंबर का टाइम में होता है, जो रबी रावी क्रॉप होता है दैट इज नवंबर टू मार्च के टाइम में होता है। जो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है राइस एंड वीट का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो राइस हमारा क्या है, राइस इज अ खरीफ क्रॉप एंड वीट इज अ रबी क्रॉप, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो वाटर का रिक्वायरमेंट है डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने अपना इरिगेशन सिस्टम को डिजाइन किया, वाटर एप्लीकेशन सिस्टम को डिजाइन किया और इसका क्लासिफिकेशन भी किया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमने इरिगेशन सिस्टम डिजाइन तो कर लिया, इसका क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे, तो क्या क्या एडवांटेज है हमारे इरिगेशन सिस्टम का। किसी ने बोला था कि क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है। फर्स्ट एडवांटेज इज द क्रॉप यील्ड, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम क्रॉप ऑब्टेन करेंगे अपने लैंड से, है ना। अगर सही तरीके से हमारा सॉइल का क्वालिटी अच्छा था ऑलरेडी, लेकिन हम लोगों ने पानी प्रोवाइड नहीं किया, हमने वाटर प्रोवाइड नहीं किया क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमारा क्या होगा, क्रॉप है जो डेड हो जाएगा या फिर उसका यील्ड कम हो जाएगा। यील्ड मतलब क्या, जो क्रॉप जो हमें फाइनल जो क्रॉप मिलता आफ्टर हार्वेस्टिंग वो कम हो जाता, ठीक है, या फिर उसका क्वालिटी पुअर हो जाता, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होता है, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड, ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज था कि हमने हमने क्या किया, क्रॉप का जो क्वालिटी है साथ ही साथ जो क्रॉप का यील्ड है वो मैक्सिमाइज हो गया। सेकेंड एडवांटेज क्या हो सकता है मैम मिक्स्ड क्रॉपिंग अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स तो क्रॉपिंग इन्फ्लेशन अवॉइड कर सकते, एग्जैक्टली। तुम लोग अभी ग्राउंड लेवल पे सोचो, मतलब इमेजिन करो कि विदाउट इरिगेशन हमारे एग्रीकल्चर का सिस्टम क्या होता, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग एडवांटेज डिफाइन करेंगे। तो अब जो सेकेंड एडवांटेज है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। पहले क्या था कि पानी के अभाव में हम लोग एक ही खेत में मिक्स क्रॉपिंग कर देते थे, अभी हमारे पास पानी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इरिगेशन सिस्टम हमने बना दिया, ठीक है। हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया, तो इस वजह से एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग हो गया। हमने जो मिक्स क्रॉपिंग हम लोग करते थे उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने से क्या हो गया, हमारा जो क्वालिटी रिड्यूस होता था अभी हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी का क्रॉप मिलने लगा, मतलब जो अल्टीमेट पॉइंट था दैट इज मैक्सिमम यील्ड हमें ऑब्टेन हो गया। फिर से क्रॉप मैक्सिमम यील्ड मतलब कि हमें क्वालिटी एज वेल एज अमाउंट हमें अच्छा खासा मिल गया। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लियर है, इलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, थर्ड एडवांटेज, इरिगेशन सिस्टम हमने बनाया, मतलब हमने साथ ही साथ कैनाल भी बनाया। इरिगेशन का ही ये पार्ट है, कैनाल डैम रिजर्वायर,
ये सब सोचते हुए एडवांटेज बताओ। हमने इरिगेशन सिस्टम बनाया, मतलब हमने कैनाल बनाया, हमने डैम बनाया, हमने रिजर्वर बनाया, हमने स्टोरेज बनाया, हमने वाटर टैंक बनाया, है ना। तो अब इन इन चीजों से सोचो कि हमारा क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। फार्मर्स का प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा। हाँ करेक्ट है मैम, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा अगर हम लोग कैनल बनाते हैं तो। देखो थर्ड एडवांटेज होगा कि हमारा जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई था वो भी हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। हमने इतना कुछ डिजाइन किया ना इरिगेशन सिस्टम को फुलफिल करने के लिए, तो साथ ही साथ जो हमारे घरों में अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर का प्रॉब्लम हो रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली हमारा वाटर ही तो सप्लाई हो रहा है, हमारे खेतों में हो रहा है तो हम अपने घरों में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्कार्सिटी था वाटर का वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इम्प्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से कि हमने डैम भी बनाया, रिजर्वायर बनाया, तो इसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल उन्होंने क्या किया कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी इंक्रीज कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। राम आलदा तुम अपना ऑडियो कर लो। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फैसिलिटेशन ऑफ इंक्रीज इन फैसिलिटेशन ऑफ नेविगेशन। हम लोग जो नेविगेशन सिस्टम हमने कैनाल बनाया ना, हमने डैम बनाया, तो कैनाल के थ्रू हम लोग का नेविगेशन सिस्टम भी इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। ठीक है ओके। एफोरेस्टेशन, अगर जहां भी हमने अगर हमें वाटर सप्लाई मिल रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफोरेस्टेशन, हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, जो भी हम लोग कैनाल या चैनल बना रहे उसके बैंक पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कवरेज बनाएंगे, मतलब कि एफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। इससे एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज यह होगा कि जो हमारा इरोजन हो रहा था सॉइल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा एटमोस्फेयर भी क्या रहेगा, प्योर रहेगा। ठीक है। और किसी ने बताया प्रोस्पेरिटी, तो दैट इज ऑल्सो, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो इकोनॉमिक है हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एडवांटेज था। अब ये पूरे इरिगेशन सिस्टम को सोचते हुए ये बताओ कि कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं क्या। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम। एनी डिसएडवांटेज मैम, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, ओवर इरिगेशन होगा मैम। ओवर इरिगेशन से क्रॉप का यील्ड कम हो सकता है और वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जैक्टली, हम लोग इरिगेशन, अगर हमने इरिगेशन प्रॉपर्ली नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा किया, मतलब ओवर इरिगेशन किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्रॉप यील्ड मिनिमम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर लॉगिंग मतलब वाटर हमारे लैंड में जमा हो जाएगा, वेट क्लाइमेट हो जाएगा, वेट क्लाइमेट कंडीशन हो जाएगा। जब हम लोग का वाटर लॉगिंग हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ सकते हैं, मॉस्किटोज बढ़ सकते हैं, है ना, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो वाटर बॉर्न डिजीज कैसे आते हैं ये तुम लोग को पता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो कि किसकी वजह से हुआ, ओवर इरिगेशन से हुआ। वो उसमें मिस्टेक किसका था, वो उसमें मिस्टेक हम लोग का था। हमने क्या किया, हमने करेक्ट मेथड यूज नहीं किया। हमने जहां पे हमें फड़ो करना चाहिए वहां पे हमने फ्लड इरिगेशन कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, फ्लड इरिगेशन जब कर दिया तो वाटर है जो वहां पे क्लॉग्ड हो गया, उसके रूट्स में क्लॉग्ड हो गया, जिसकी वजह से वहां पे वेट क्लाइमेट कंडीशन क्रिएट हो गया। ठीक है, वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग की वजह से ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मॉस्किटोज हो गए, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ क्या हो गया, रिस्क
हमारा रिस्क इंक्रीज हो गया फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस. ये और साथ ही साथ वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है, बस ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ओवर इरिगेशन की वजह से. ठीक है, साथ ही साथ ये भी हम लोग कर सकते हैं कि जो हमने फर्टिलाइजर जो यूज किया वो ग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स हो गया, है ना. ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो सकता है. तो ओवरऑल जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, डिसएडवांटेज, वो किसकी वजह से होगा? वो वाटर लॉगिंग की वजह से होगा. वाटर लॉगिंग क्यों होगा? वो हमारा ओवर इरिगेशन या फिर करेक्ट मेथड यूज न करने की वजह से होगा. ठीक है, क्लियर है. तो हमने अभी तक देखा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ इरिगेशन. टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो इरिगेशन को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन. देखो, ये जो फर्स्ट मॉडल का जो हाफ पार्ट है, मैं पहले ही बताया कि ये फुल्ली थियोरेटिकल है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज सरफेस एंड सब सरफेस. सरफेस इरिगेशन, सेकेंड इज द सब सरफेस इरिगेशन. ओके, तो व्हाट इज सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन? तुम लोग का अटेंडेंस आज बहुत ही कम है, बस 11, 12 क्या, बस 10 ही हो. बाकी लोग क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं? सबके पास टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल से ही सारे क्लासेज हो रहे हैं, तो बाकी लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? तुम लोगों से ही पूछा जा रहा है, बाकी लोग क्लास. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी तो इस वीक में और भी क्लासेज हुई होगी ना तुम लोगों की, सारे सब्जेक्ट की तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो बाकी क्लासेस में क्या अटेंडेंस है? कोई कुछ बोलोगे, बताओगे कुछ? मधुसूदन हेम्ब्रोम? यस मैम. मधुसूदन, बाकी लोग क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं? पता नहीं मैम, ऐसे 15 जने रहता है, 15-16 जने. बाकी क्लास में क्या अटेंडेंस रहता है? ऐसे ही रहता है, 15 से 20 का रहता है. 20 था मैम संतोष सर का क्लास में, और रमन सर का शायद क्लास में 27 था. तो अभी सब लोग कहाँ हैं? जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी तो शिव प्रकाश था, वो भी अभी इस क्लास में नहीं दिख रहा है. देखो, नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का अटेंडेंस एलएमएस पोर्टल पे होगा, तो सबको इन्फॉर्म कर देना. एज पर रूल तुम लोग भी जानते हो कि 60% अटेंडेंस मस्ट है. 75% तो इस ये बात का भी ध्यान रखना. आगे जो भी क्लासेज होती है उस सबके लिए सेम ही मैटर करता है अटेंडेंस तुम लोगों का, तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना क्लास अटेंड करने के लिए. सबके पास टाइम टेबल है, सबके पास हमारा सिलेबस है, सब लोग घर में सेफली हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है क्लास अटेंड करने में?
ओके सरफेस इरिगेशन एंड सब सरफेस इरिगेशन एनीवन कोई बताओ व्हाट इज सरफेस इरिगेशन सरफेस एंड सब सरफेस पहले इरिगेशन वर्ड को हटा दो बस सिंपल बताओ व्हाट सरफेस एंड सब सरफेस में क्या डिफरेंस है सरफेस एंड सब सरफेस मैम ग्राउंड लेवल के वाटर के ग्राउंड मतलब रिवर लेक ये सब से जो इरिगेशन होता है वो सरफेस होता है और जो अंडरग्राउंड वाटर से होता है उसे सब सरफेस इरिगेशन सरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं इन दिस मेथड इन सरफेस इरिगेशन मेथड वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस है ना वाटर को कैसे अप्लाई करेंगे ओवर द सरफेस मतलब जो हमारा लैंड होगा वो कैसा होगा वेट कंडीशन में होगा ठीक है सब सरफेस इरिगेशन मतलब क्या बिलो द सरफेस मतलब ग्राउंड वाटर के थ्रू या फिर डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड जैसे कि हम लोग कौन सा इरिगेशन करते हैं ड्रिप इरिगेशन इज ए टाइप ऑफ सरफेस सब सरफेस इरिगेशन साथ ही साथ अगर हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं दैट इज आल्सो सब सरफेस इरिगेशन ठीक है तो इन सरफेस इरिगेशन मेथड वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड वाटर सॉरी सॉइल इज इन वेट कंडीशन जो हमारा लैंड होगा वो क्या होगा वेट कंडीशन में होगा लेकिन सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है सब सरफेस इरिगेशन में हमारा जो सॉइल सरफेस है दैट इज नॉट इन वेट कंडीशन ठीक है और हम लोग जो वाटर इरिगेट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं डायरेक्ट रूट जोन में करते हैं मतलब बिलो द सरफेस ग्राउंड सरफेस में हम लोग क्या करते हैं सिर्फ वाटर सप्लाई करते हैं तो सब सरफेस इरिगेशन का हमें बहुत सारा टाइप हमें पढ़ना है लेकिन सब सरफेस इरिगेशन हमारा नेचुरल अगर किया जाए तो नेचुरली हम लोग सब सरफेस इरिगेशन कैसे करेंगे नेचुरली हम लोग करेंगे ट्यूबवेल के थ्रू है ना और आर्टिफिशियली सब सरफेस की बात किया जा रहा है तो सब सरफेस आर्टिफिशियली हम लोग एक टाइप से हमारा इरिगेशन का दैट इज ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं कि हम लोग एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं जमीन के अंदर और बिल्कुल उसके रूट जोन जो हमारा क्रॉप है क्रॉप का जो रूट है रूट जोन में डायरेक्टली पानी देते हैं ठीक है तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सब सरफेस इरिगेशन क्लियर है तो हमें इन डिटेल हमें पढ़ना है सरफेस इरिगेशन के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन ठीक है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अभी किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है बोलो नो मैम ओके तो क्लास एंड करें लेकिन तुम लोग को नेक्स्ट क्लास से अटेंडेंस और भी ज्यादा होना चाहिए बस अभी 10 बच्चे हो टोटल तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोग हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर दो क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं तो रेगुलरली ही क्लास चलेंगे ओके okay?